हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतू है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स, DIY एंड प्रोडक्ट रिव्यूज़ की। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, उससे क्लिक कीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी हम ना हेड भूलें। मसाज मसाज करने वाले हैं, ये जो आज का वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है नीरव मेहता। मैंने एक और वीडियो डाला था जिसमें आप अपने हेड पर कैसे चम्पी कर सकते हैं, उन्होंने वो वीडियो देखा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए कि कोई आपके हेड पर मसाज कर रहा हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक फ्रेंड है उनको लिया है और मैं उनके हेड पर मसाज करके आपको दिखा रही हूँ कि किस टाइप से आप दूसरों के सर पर मसाज कर सकते हैं, सलून टाइप हाँ, से। मेरी एक और सब्सक्राइबर है जिनका नाम है फराज अहमद, उन्होंने मुझे बोला था कि मेक अ टाइट स्लीक लो बन विदाउट पार्टिंग योर हेयर। तो मैंने इस वीडियो में दोनों चीज़ कवर करने की कोशिश की है। मैंने अपने तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये वाला कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो कोकोनट ऑयल या आपकी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं मालिश करने के लिए। मैंने उसे एक कटोरी में लिया है, उसे हल्का गुनगुना किया है। उसके बाद मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ कॉटन की हेल्प से। आप चाहें तो फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ कॉटन से लगा रही हूँ, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। देखिए, इस टाइप से मैं बालों के छोटे छोटे सेक्शन कर रही हूँ और फिर उसमें मैं ऑयल लगा रही हूँ। इस टाइप से अच्छे स्वेलिंग हो जाती है। ये देखिए, इस टाइप से मैं ऑयलिंग कर रही हूँ और इस प्रोसीजर को करने में मुझे करीबन 45 मिनट्स लगे, लेकिन मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ सारा जो है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाता। और ये देखिए, इस टाइप से ऑयलिंग कर रही हूँ। उसके बाद फिर देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ इस टाइप से भी आपको बालों में पार्टीशन करना है, फिर ऑयल करना है। ऐसे आपको पूरे हेड में करना है। इससे जो ऑयल है वो अच्छे से ना पूरा स्प्रेड हो जाएगा आपके सर पर। अब यहाँ देखिए, मैं पीछे वाले सेक्शन में कर रही हूँ। ये जो मैंने जो ऑयल गर्म किया है उससे जो है हमारे बालों को अच्छे से नरिशमेंट मिलेगा। आप चाहें तो आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हमेशा गुनगुना ऑयल ही यूज़ करती हूँ हेड में लगाने के लिए। वो आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है। और देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा ऑयल लगा लिया है। उसके बाद जितना भी ऑयल था उसको मैंने हेयर लेंथ में भी लगा लिया है, वो वीडियो मिस हो गया है। उसके बाद जितना भी ऑयल बचा था वो मैंने सर पर डाल दिया है और थपथपाने लगी हूँ। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है और ये पूरा अच्छे से थपथपाना है जैसे हमारी दादी नानी मम्मी वगैरह करती थी। अगर मुझे कोई ये वाला स्टेप करता है तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। ये मेरा जो है फेवरेट स्टेप है और आप भी जब भी किसी को करेंगे उसे भी बहुत ही मज़े आने वाले हैं। आप किसी और को कीजिए, कोई और आपको कर देगा और आप दोनों ही लोगों को अच्छा लगेगा। और देखिए, अब मेरा जो सेकंड स्टेप है वो है अपनी जो टिप है उससे आपको हल्के हल्के हाथों से घुमाना है, फिर दबाना है, फिर घुमाना है, फिर दबाना है। अब देखिए, फास्ट फॉरवर्ड में मैं दिखा देती हूँ आपको। इस टाइप से आपको पूरे हेड पे करना है। अब देखिए, हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है अंगूठे के ऊपर अंगूठा करते करते हमें हेयर लाइन से नीचे की तरफ आना है। और देखिए, मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देती हूँ आपको। इस टाइप से धीरे धीरे करना है। आप अपने जो टिप्स हैं उनका ही यूज़ कीजिए, हथेलियों का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और टिप्स का यूज़ करेंगे आप भी नहीं थकेंगे और जिसको आप मालिश करेंगे उसके लिए भी अच्छा होगा और आपके बाल जो हैं वो नहीं टूटेंगे। अगर आप हथेलियों का यूज़ करेंगे तो आपके बाल टूटेंगे, टूटने के ज़्यादा चांसेस, इसलिए हमेशा टिप से करना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है और मैं आपको करके बता रही हूँ कैसे करते हैं। अपने उंगलियों को आगे ले लाना है, फिर पीछे करना है, फिर आगे ले जाना है, फिर पीछे करना है। इस टाइप से आपको करना है। अब देखिए, मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस टाइप से आपको करना है, हल्के हाथों से करना है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है हेयर का वो इंक्रीज होता है, इससे आपके जो बाल हैं वो लंबे होते हैं। तो इस टाइप से करना है और हर स्टेप को एटलीस्ट 5 मिनट तो करना ही करना है। तो देखिए, अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप मैं कर रही हूँ। जो हेयर लाइन है वो यहाँ से ऐसे मैं धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ लाऊंगी।
अपनी फिंगर टिप्स का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी फिंगर टिप्स का यूज़ करेंगे तो आप कभी नहीं थकेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। अब देखिए, इस टाइप से करते करते मैं जो हेयर लाइन है उसके पीछे साइड में जाऊंगी। पीछे साइड है, मैं अंगूठों का यूज़ करूंगी, उंगलियों का नहीं यूज़ करूंगी। ये देखिए, इस टाइप से करना है। और देखिए मेरी फ्रेंड को कितने मज़े आ रहे हैं, बहुत हंस रही है, वो खुश हो रही है। और देखिए इस टाइप से करना है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें करना है, ये जो हमारा हेड होता है यहाँ, जो वहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें करना है, और हल्का सा दबाना है, फिर क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर दबाना है, फिर क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर दबाना है। इस टाइप से ही ये हमारा स्टेप है, इसे करना है हमें। ये देखिए इस टाइप से करेंगे। और देखिए अब ये जो है हमारी जो पांचों उंगलियां हैं उनको हमें ले जाना है, ये हमारा सेवन स्टेप है। उसको पांचों उंगलियों को ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर नीचे दबाना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे दबाना है। ऐसा करते करते हमें आगे जो है हमारा माथा हेयर लाइन है वहां तक हमें आना है, ये स्टेप करना है। ये हमारा सेवन स्टेप था। और उसके बाद एंड जो हमें ख़त्म करना है, इस टाइप से आगे से करते करते पीछे। फिर देखिए ये जो हमारे दोनों अंगूठे हैं उनसे हमें मसाज करनी है, ये हमारा एट स्टेप है। मसाज करनी है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस टाइप से करना है। ये देखिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, इस टाइप से करना है ऊपर नीचे की तरफ। ये बहुत ही रिलीफ देगा आपको, आपकी बॉडी को। अब देखिए ये जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, उसे खींचना है। फिर देखिए इस टाइप से लेना है, फिर खींचना है, फिर छोटा सेक्शन लेना है, फिर खींचना है। इससे हमारे जो बालों की हेयर ग्रोथ है वो लंबी होती है, हमारे बाल जो होते हैं वो लंबे होते हैं। सलून में भी इस टाइप से ही करते हैं और वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आप ये खुद कर सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड सबको पैम्पर कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से करना है, जो पूरी मसाज है उसे हल्के हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है आपको। ये देखिए इससे आपके जो बालों का ग्रोथ है वो लंबी होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिससे आपको रिलीफ फील होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पूरे बालों को इकट्ठा करना है, फिर एक साइड में मोड़ देना है, हल्का सा मोड़ना है, फिर दूसरे साइड में वैसा करना है और फिर मोड़ देना है। ये वाला स्टेप एक साइड में दो बार करना है, दूसरे साइड में दो बार करना है, उस टाइप से करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप है, हमारी जो अंगूठा है उससे हमें हल्के हल्के हाथों से सेक्शन लेना है और उसमें दबाते हुए पीछे की तरफ जाना है, फिर सेक्शन लेना है, फिर पीछे की तरफ जाना है। यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में है बट मैं बहुत ही धीरे धीरे ये कर रही हूँ, आपको भी धीरे धीरे करना है। ये देखिए इस टाइप से दबाना है और फिर पीछे के आना है, फिर दबाना है और फिर पीछे आना है। ये नेक्स्ट स्टेप था हमारा, ऐसे ही हमें पूरे हेड पे करना है। तो देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप है, हमारी दोनों हथेलियों को लेकर और थप पूरा अच्छे से मसाज करनी, जैसे मैं इसमें कर रही हूँ, थप 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 कर कर इस टाइप से कर दी है। और ये वाला स्टेप भी बहुत ही अच्छा लगता है, ये भी मेरा फेवरेट स्टेप है। जो मसाज है आप किसी और को कीजिए, वो भी खुश हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है, हमारे हेयर लाइन से लेते हुए हमें नीचे की तरफ आना है, कंधों की तरफ, और दबाना है। और उसके बाद फिर मैं अपने फ्रेंड को आगे करूंगी, और जो हमारे जो दोनों थंब हैं, दोनों अंगूठे हैं, उससे हम मैं नीचे की तरफ जाऊंगी, फिर ऊपर की तरफ आऊंगी। और इस स्टेप में मेरी फ्रेंड को बड़े ही मज़े आ रहे हैं, फूल ही नहीं समा रही है वो, अभी देखना भी आप इसकी शक्ल कितनी खुश हो रही है। देखिए इस टाइप से करना है, धीरे धीरे करना है, इसमें बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो इस टाइप से करना है। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिलीफ देने वाला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप करना है हमें, बालों में छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, उसमें हल्के से मालिश करनी, फिर दबाना है, फिर बालों को बाहर की तरफ खींचना है। ये जो स्टेप है इससे भी हमारे जो बाल हैं वो लंबे होते हैं, और जब भी हम मालिश करते हैं तो हमारे कुछ बाल टूटते हैं वो नॉर्मल होते हैं, 50 बाल तक अगर टूटेंगे तो वो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा अगर टूटते हैं तो हमें परेशान या सोचने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ नॉर्मल होता है। इस टाइप से मैं पूरे हेड में कर दूंगी। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप है, मैं केवल अपनी दो उंगलियों को ले रही हूँ ऊपर की तरफ, फिर घुमा रही हूँ, फिर ऊपर ले जा रही हूँ, फिर घुमा रही हूँ, ऐसे घुमाना है, फिर ऊपर करना है, फिर घुमाना है, फिर ऊपर करना है। इस टाइप से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस टाइप से, अगर हेयर में करूँगी तो आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं दिखा रही हूँ, इस टाइप से घुमाना है। फिर ऐसे करते करते हमें आगे जो हेयर लाइन है वहाँ तक इस मसाज को करना है।
जो नेक्स्ट स्टेप है वो है दोनों हाथों को लेकर अच्छे से दबाना, ये हमारा 17 स्टेप है। दोनों हाथों को लेकर ऐसे दबाना है इस टाइप से, इससे भी आपका जो सर है एकदम हल्का सा फील होगा आपको। ये देखिए इस टाइप से दबाना है आपको, और हर उसको आपको 5 मिनट देने हैं। और देखिए यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है ऑयलिंग। अब मैं यहाँ कॉम्ब से पहले हमें नीचे सेक्शन में करना है, फिर बीच वाले सेक्शन में करना है, फिर सबसे ऊपर करना है। कभी भी कंघी ऊपर से नीचे नहीं करनी चाहिए, पहले नीचे के बालों को सुलझाना चाहिए फिर ऊपर से नीचे करनी चाहिए। इससे हमारे बाल टूटते नहीं हैं और उलझते नहीं हैं, और हमारे बालों को हल्का सा बांध कर और फिर हमें सोना चाहिए, तो इससे हमारे बाल नहीं टूटेंगे। मेरी जो सब्सक्राइबर थी उनके रिक्वेस्ट में मैं ये जूड़ा उन्हें बता रही हूँ। इस टाइप से हमें जूड़ा करना है, बालों को अच्छे से मोड़ना है, उसके बाद रबर बैंड लगानी है। यहाँ पे मैंने कोई पार्टीशन नहीं किया, ये नॉर्मल जूड़ा है, इस टाइप से करना है। ये देखिए आप चाहें तो चोटी बनाकर भी सो सकते हैं, हल्की हल्की चोटी बनानी है, बहुत टाइट बालों को नहीं करके सोना है। आप चाहें तो इस टाइप से जूड़ा भी बना सकते हैं, और मैं इसे रात भर रखूँगी और नेक्स्ट डे जो है वो वॉश कर लूँगी। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।